दोस्तों आप सभी ने क्रोमबुक्स के बारे में जरूर सुना होगा। अब क्रोमबुक्स क्या है, क्या उनकी अच्छी बातें हैं, क्या उनमें कमियां हैं, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वगैरह वगैरह, जो भी सवाल आपके मन में चलते रहते हैं उन सभी के जवाब मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु जी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, ये एक फैक्ट है कि आप जब भी अपना कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करते हैं तो 90% टाइम आप सिर्फ एक वेब ब्राउजर के अंदर होते हैं, चाहे हम बात करें गूगल क्रोम की, मोज़िला फायरफॉक्स की, इंटरनेट एक्सप्लोरर की, लेकिन आप होते एक वेब ब्राउजर में ही हैं। कि जैसे आप अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, आप सबसे पहले अपना ब्राउजर खोलते हैं, आप अपना पूरा टाइम उस पर बिताते हैं और आप बाद में कंप्यूटर को बंद कर देते हैं। चांसेस हैं कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में आज इंटरनेट एक्सेस आपको नहीं मिलेगी तो हो सकता है कि आप उसको ऑन ही ना करें, क्योंकि हमारे लिए आज की डेट में इंटरनेट कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा है और इंटरनेट कनेक्टिविटी को अच्छे से यूज करने के लिए हम सिर्फ एक ब्राउजर का यूज करते हैं। फिर चाहे हम बात करते हैं मेल्स पढ़ने की, चाहे हम बात करते हैं यूट्यूब पे वीडियोस देखने की, चाहे हम बात करते हैं ऑनलाइन आपको कुछ न्यूज देखने की, आपको कम्युनिकेशन के लिए, क्लाउड के लिए, हम सभी का सभी जो है वो सिर्फ एक वेब ब्राउजर के अंदर ही हमारे सारे काम निपटा लेते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे कंप्यूटर में विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स या कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो ऐसे में जब हमारे कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हम वेट करते हैं कब हमारा सिस्टम ऑन हो, बूट हो जाए, सारे सॉफ्टवेयर्स आ जाएं, फाइल्स वगैरह सारी आ जाएं और फाइनली हम ब्राउजर को खोल के हमारा काम कर सकें। लेकिन दोस्तों कितना अच्छा हो अगर मैं आपको ये कहूं कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी ही है तो मैं आपको एक ऐसा लैपटॉप बताता हूं या मैं आपको एक ऐसा कंप्यूटर बताता हूं जिसके अंदर सिर्फ एक ब्राउजर है और कुछ है ही नहीं। उसका नाम है क्रोमबुक या क्रोम ओएस। दोस्तों ये गूगल का एक अपना सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा लैपटॉप, एक ऐसा कंप्यूटर या एक ऐसी छोटी स्ट्रीमिंग स्टिक जिसके अंदर आपको न तो विंडोज मिलेगा, न लिनक्स मिलेगा, न मैक ओएस मिलेगा, आपको मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ क्रोम। आप अपना लैपटॉप खोलिए, खोलते ही 5 से 6 सेकंड के अंदर वो ऑन हो जाएगा, सीधा क्रोम पे क्लिक कीजिए, अपना काम खत्म कीजिए और उसको बंद कर दीजिए। बड़ा ही एक यूनिक कंसेप्ट है, बड़ा एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और पिछले कुछ सालों से काफी ज्यादा साल दर साल पॉपुलर होता जा रहा है। अब दोस्तों इसके पॉपुलर होने के 2-3 रीजन है, वो क्या है मैं आपको बताया था। देखिए पहली बात तो ये कि इनकी कॉस्ट काफी कम होती है, यानी कि अगर आप एक क्रोमबुक खरीदना चाहते हैं तो आपको $200, $150, $250, $300 के अंदर अंदर आपको काफी अच्छी एक क्रोमबुक मिल जाती है। उस क्रोमबुक में जो हार्डवेयर है वो इतना अच्छा नहीं होता है क्योंकि उस सिस्टम में विंडोज नहीं है, उस सिस्टम में लिनक्स या मैक ओएस नहीं है, एक बेसिक वेब ब्राउजर ही है, तो ऐसे में उसको इतनी ज्यादा हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती और बहुत ही कम हार्डवेयर में काफी स्टाइलिश डिजाइन के साथ में आपको आजकल क्रोमबुक्स देखने को मिलती है। दोस्तों इसके अलावा इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि आपको इन सिस्टम्स में बैटरी लाइफ बहुत बहुत ज्यादा मिलती है। वो इसलिए मिलती है क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो इतना ज्यादा बैटरी हॉगिंग नहीं होता है, आपको हमेशा वो इतना डिमांडिंग नहीं होता है क्योंकि वो सिर्फ एक वेब ब्राउजर है, तो ऐसे में आपकी बैटरी लाइफ भी काफी अच्छी हो जाती है। इसके अलावा एक और एडवांटेज ये है कि सिस्टम का स्टार्ट होना, सिस्टम का जो लोडिंग टाइम्स हैं या जो भी अपना काम कर रहे हैं वो काफी फास्ट और काफी एफिशिएंट बन जाता है। इसके अलावा ये सिर्फ एक ब्राउजर नहीं है, आपने क्रोम का वेब स्टोर तो देखा ही होगा जहां पे आपको गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, मतलब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बेसिकली जो एक छोटे एक थोड़े हल्के रिप्लेसमेंट्स हैं वो मिल जाते हैं। आपको आपने गूगल के वेब स्टोर में जितनी भी आपको छोटी मोटी ऐप्स मिलती हैं वो सारी ऐप्स आप एक गूगल क्रोमबुक में यूज कर सकते हैं और अभी तो आने वाले दिनों में आप अपने एंड्रॉयड के जितनी भी एप्लीकेशन हैं उनको भी एक क्रोमबुक में यूज कर पाएंगे। दोस्तों ये एक सोल्यूशन है काफी अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग अगर आपका बजट कम है और अगर आपका यूजेज ज्यादा ऐसा नहीं होता है कि आपको किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल आपको फोटोशॉप पे काम करना है या फॉर एग्जांपल आपको किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, किसी कोडिंग के सॉफ्टवेयर आपको काम करना है, आपको गेम्स वगैरह खेलने हैं ज्यादा, तो अगर आपका वो मतलब नहीं है डिपार्टमेंट, अगर आपको नॉर्मल ब्राउजिंग के लिए लैपटॉप चाहिए होता है या आपको छोटे बहुत कभी कभी आपको थोड़ा बहुत वर्ड एक्सेल पे काम करना है, आपको अपनी मेल्स वगैरह पे काम करना है, आपको मूवीज वगैरह देखनी है, तो ऐसे में एक क्रोमबुक काफी आइडियल चॉइस हो सकती है कम बजट में एक अच्छे लैपटॉप के लिए। उसके अलावा इसका डाउनसाइड यही है कि आपको इसके अंदर नहीं तो विंडोज मिलता है तो फुल फ्लेश्ड जो उसके अंदर ओएस है वो नहीं मिलता है, लेकिन विंडोज नहीं मिलता है इसीलिए उसके लाइसेंस की कॉस्ट जो है वो कट जाती है और आपको क्रोमबुक काफी सस्ते कीमत में मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो क्रोमबुक में आप बाद में अलग से उबुंटू या विंडोज वगैरह को इंस्टॉल कर सकते हैं तो आप उसमें उसका मजा भी उठा सकते हैं,
लेकिन अगर आप एक बेसिक ब्राउजिंग के लिए भी सोचते हैं तो क्रोमबुक के काफी अच्छा सोल्यूशन है दोस्तों। इसके अलावा एक और मेन पॉइंट ये है कि अगर आपके घर में कोई बहुत पुराना कंप्यूटर है या बहुत पुराना लैपटॉप है जो आज की डेट में बिल्कुल ठीक से नहीं चलता है, तो आप उसमें भी क्रोम ओएस को इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि जो गूगल का क्रोम ओएस है, उसके बाद क्या होगा कि वो क्रोमबुक एक तरीके से बन जाएगा और आप बड़े आराम से उसके अंदर अपनी ब्राउजिंग वगैरह जो है वो स्टार्ट कर दीजिए और वो हार्डवेयर इतना सफिशिएंट तो होगा कि क्रोम ओएस को तो बड़े ही तेजी से बड़े ही आराम से चला पाए। दोस्तों ये कुछ मेन बातें थी क्रोमबुक की। पॉजिटिव्स आपको मैंने सारे बता दिए, नेगेटिव्स भी आपको पता चल गए होंगे कि स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स हैं जो विंडोज के एप्लीकेशंस वगैरह होती हैं वो उस क्रोमबुक में नहीं चल पाएंगी जब तक आप उसके अंदर विंडोज को इंस्टॉल ना कर लें। उसके अलावा फास्ट ब्राउजिंग, इजी बूट टाइम, सस्ती कीमत, अच्छा आपको डिजाइन, लेटेस्ट हमेशा अपडेट्स, एंड्रॉयड के एप्लीकेशन का चल जाना, तो ये काफी अच्छा सोल्यूशन है अगर आप लेना चाहते हैं एक क्रोमबुक बेसिक ब्राउजिंग के लिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके उनमें कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक टेक्निकल गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी तरह तरह की टेक वीडियोज रोजाना लेके आता रहता हूं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।